नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी से जुड़े कुछ सवालों के बारे में, जैसे कि इसमें उम्र सीमा कितनी होती है, भर्ती की प्रक्रिया क्या होती है और पोस्ट के साथ सैलरी के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी, इसका पूरा नाम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है। रेलवे भर्ती बोर्ड में कुल 21 क्षेत्र हैं। आरआरबी की स्थापना 27 अप्रैल सन 1998 को हुई, जो कि रेल मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण के अधीन आता है। आरआरबी एनटीपीसी, इसका पूरा नाम नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है। रेलवे में अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो आप एनटीपीसी के जरिए भी भर्ती हो सकते हैं। इसके अंदर बहुत से पोस्ट होते हैं, अगर आप योग्य हैं तो इन सभी पोस्टों पर आप आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी के लिए योग्यता क्या होती है? एनटीपीसी में योग्यता 12वीं पास और ग्रेजुएशन दोनों ही मांगे जाते हैं। दोनों के आधार पर अलग अलग पोस्ट निकाली जाती है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी में एज लिमिट की बात करें तो इसमें न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 33 वर्ष मांगा जाता है। इसमें आरक्षण वालों को राहत प्रदान किया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी में कौन कौन सी पोस्ट निकलती है? इसमें 12वीं और ग्रेजुएशन दोनों के आधार पर पोस्ट निकाली जाती है। 12वीं के आधार पर निकाले जाने वाली पोस्ट हैं, पहले नंबर पे है जूनियर टाइम कीपर, दूसरे नंबर पे है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरे नंबर पे है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, चौथे नंबर पे है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, पांचवें नंबर पे है ट्रेन क्लर्क। इन सभी पोस्ट पर आप 12वीं पास के बाद आवेदन कर सकते हैं। अब देखते हैं ग्रेजुएशन के बेस पर होने वाले भर्तियों के बारे में। पहला पोस्ट है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, दूसरे नंबर पे है गुड्स गार्ड, तीसरे नंबर पे है ट्रैफिक असिस्टेंट, चौथे नंबर पे है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, पांचवें नंबर पे है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, छठे नंबर पे है सीनियर टाइम कीपर, सातवें नंबर पे है कमर्शियल अप्रेंटिस, आठवें नंबर पे है स्टेशन मास्टर। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद रेलवे में भर्ती होना चाहते हैं तो इन सभी पोस्टों पर आवेदन करके परीक्षा दिला सकते हैं। अगला सवाल है कि आरआरबी एनटीपीसी में चयन कैसे होता है? परीक्षा में दो स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में जनरल अवेयरनेस, जीके, मैथ्स के साथ रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। दूसरे स्टेज में भी जनरल अवेयरनेस और जीके, मैथ्स के साथ रीजनिंग सवाल पूछे जाते हैं। कुछ पोस्ट के लिए चयन में बदलाव किया जाता है, जैसे टाइपिस्ट के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट दिलाना होता है। एनटीपीसी चयन प्रक्रिया में आगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, जिसमें आपको अपने 10वीं व 12वीं के मार्कशीट को वेरीफाई कराना होता है। अगर आप इन सभी स्टेज को पार कर जाते हैं तब आपकी पोस्टिंग की जाती है। अगला और आखिरी सवाल, इसमें सैलरी कितनी होती है? सैलरी की बात करें तो 19,000 इसमें न्यूनतम एवं 35,000 तक दिया जाता है। यह सैलरी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होती है। तो दोस्तों, ये थी रेलवे एनटीपीसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।